सो हे गाइस, वेलकम बैक। आपको पता होगा कि 12 अगस्त को आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो का ट्यूटोरियल लेके हूँ। जैसे कि आप सभी वीडियो को देख लिया है, गाइस इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट करना इस वीडियो का पूरा देखोगे तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वीडियो समझ में आ पाएगा। और जो साइड में आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन देख पा रही हूँ, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में इस वीडियो को हम एडिट करने वाले। और गाइस, जब इस वीडियो को लाइक नहीं है तो यार लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले। तो गाइस चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे पहले काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्लस स्क्रीन पे जाना होगा, बीच वाले फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और जो भी आपके यहाँ पे फोटोज होगी उन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फोटोज को सिलेक्ट कर लिया। आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा, यहाँ पे जो फोटोज के बीच में आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जूम आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको सेकंड फोटो पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे फिर से आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करने वाला, आपको यहाँ पे क्लासिक ट्रांजेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक कर देना होगा। तो आपको यहाँ पे सभी में कर देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से सभी में कर देता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो पे ज़्यादा लंबा ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी में ट्रांजेक्शन दे दिया है। आपको इसको ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले फोटो की ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे इस तरीके से कम कर लेना होगा। इस तरीके से कम करने वाला आपको करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से बैक आना होगा। यहाँ पे बैक आने के बाद आपको इस वीडियो को कट नहीं करना होगा। आपको करना क्या होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ब्लर यहाँ पे लग जाएगा। ब्लर को आपको थोड़ा जूम कर लेना होगा कुछ इस तरीके, आपको फुल स्क्रीन में कर लेना होगा। उसके बाद में ब्लर को आपको यहाँ पे लास्ट तक ले जाना होगा, जहाँ तक आपकी फोटो एंड हो रही है वहाँ तक आपको इसको ले जाना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे खींच के ले जाने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होगा और इसकी सेटिंग में जाना होगा। और यहाँ पे आप इसको 3 पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे 3 आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्लर आपका यहाँ पे गहरा दिखने लग जाए। इतना काम करने के बाद आपको फिर से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। फ्रेंड्स, आपके दोनों वीडियो यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुके हैं। आपको फिर से दो बार बैक आना होगा। दो बार बैक आने के बाद आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे 16:9 पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक नया इंटरेस्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा, जिस वीडियो को आपने अभी पहली बार एक्सपोर्ट किया था ब्लर वाले को उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने वाला आपको दो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड। तो आपको फर्स्ट वाले फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना होगा, फिर इसको आपको यहाँ पे जूम कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ पे जूम कर लिया है गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना होगा। उसके बाद आपको सेकंड पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको जूम कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों को जूम कर लिया है। आपको फिर से आप यहाँ पे पूरा काम खत्म हो चुका, आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा। यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा। आप यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। इसको आपको यहाँ पे खींच के फुल स्क्रीन में कर लेना होगा। इतना काम करने वाला आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना होगा। यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने बाद इसको स्क्रीन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, जो सेकंड वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे डाल देना होगा। तो यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा, आपको एक्सपोर्ट फोल्डर में जाना होगा और आपको यहाँ पे सेकंड फोटो सॉरी यहाँ पे वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे सेकंड वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको इसको रोटेट करना होगा, जो यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा है उसमें आपको इसको डाल देना होगा कुछ इस तरीके से। अब गाइस, आपको यहाँ पे वीडियो को अपने फॉर्मेट में अच्छी तरीके से सेट करने है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा और 3 डॉट पे जाने बाद इसको यहाँ पे फ्रंट पे कर देना होगा। यहाँ पे 3 डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे बीच वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाने में आपको फ्रंट पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज यार। तो गाइस, आप देख पा रहे हो आपको वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन चुका है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय वंदे मातरम।